हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं आपको जो नई पुस्तक मिली हुई है, यहाँ पर नई वाली पुस्तक है, एट ग्रेट अभ्यास पुस्तक के नाम से मिली होंगी आपको। तो यहाँ पर हम कक्षा 5वीं की अंग्रेजी पुस्तक का हल देखने वाले हैं, जो आपको यहाँ पर 2023-24 के साथ यहाँ पर मिल रही हैं। तो कक्षा होने वाली हमारी 5 और यहाँ पर पुस्तक होने वाली है अंग्रेजी का, और यहाँ पर पाठ देखने वाले हैं हम 4, द लिटिल प्लांट। यहाँ पर सभी वीडियो जो हैं बिल्कुल साफ मिलेंगी और सभी आंसर आपको सही मिलने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे कि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, यानी 1 से लेकर 3 तक के, 1, 2, 3 पार्टों के, तो लास्ट में आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। तो उस पर क्लिक करके आप तीनों पार्टों का हल देख सकते हैं। इसमें हम चौथे वाले पार्ट का नाम देखने वाले हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका द लिटिल प्लांट, इसके प्रश्न आप देखेंगे और आंसर सहित। तो देखिए, हमारे यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहले प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है पहला प्रश्न। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न होने वाला है, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है यहाँ वाली लाइन में। तो आइए देखिए, पहले प्रश्न पढ़ते क्या लिखा है। तो बैक सेड द, जागो किसने कहा। पहला ऑप्शन है हमारा लाइट यानी प्रकाश ने, ब्राइट यानी चमकीली, सनशाइन यानी धूप ने, प्लांट यानी पौधे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी सनशाइन। तो इस प्रकार से आपको इसमें भर लेना है, आपको सन साइन स्पेलिंग ये लिखी हुई, इस वाली स्पेलिंग को भरना है इस वाली नीचे वाली लाइन में। तो आप अच्छे से इसको भर लीजिएगा, आशा है कि आपने कर लिया होगा। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया यहाँ पर, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या लिखा है आपका, फॉर द लिटिल प्लांट आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, यानी यहाँ पर जो छोटा पौधा होता है जब वो उगता है तो उसके लिए बाहर की दुनिया किस प्रकार होती है। पहला ऑप्शन अमेजिंग, दूसरा है ब्यूटीफुल, तीसरा है आपका वंडरफुल, चौथा होने वाला है अट्रैक्टिव। तो उसके लिए बाहर की जो दुनिया होती है वो कैसी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंडरफुल। तो इस प्रकार से आपको लिखनी है, स्पेलिंग को देखना है, यहाँ पर लिख लेना है WONDERFUL। ये स्पेलिंग आपको यहाँ से टीप कर यहाँ पर लिख देनी है नीचे वाली में, यानी अद्भुत होती है दुनिया, आशा है कि आपने लिख लिया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। तो तीसरा प्रश्न हमारा होने वाला है, ये रहा तीसरा प्रश्न और यहाँ पर चौथा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर 1-2 शब्दों में उत्तर देने हैं आपको। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 3, व्हाट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। से का हमें दूसरा रूप लिखना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इस प्रकार से लिखेंगे, आपको लिखना है SAID। तो ये हमारी इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी सैड, यही हमारी होती है पास्ट फॉर्म, जो यहाँ पर लिखा दिख रहा है आपको, यही आपको लिख देना है यहाँ पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सैड यहाँ पर। इसके बाद चौथा प्रश्न देखेंगे, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड फास्ट, विलोम शब्द लिखना है फास्ट का, फास्ट यानी होता है आपका तेज, तो तेज का उल्टा क्या होता है स्लो, तो स्पेलिंग होती है SLOW। तो ये आपको लिख लेना है स्लो, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी SLOW, इसका मतलब होता है धीमा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो चुका है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं, हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड, किसने कहा बाहर आने के लिए पौधे को, किसने बुलाया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेड द सनशाइन, यानी किसने बुलाया, धूप ने। तो इसका आंसर अच्छे से लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये सनशाइन है SUN और साइन की स्पेलिंग SHINE। तो इस प्रकार से हो जाएगा सनशाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां, व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड लाइट। राइमिंग वर्ड समझिए, जिनके लास्ट में एक से शब्द होते हैं उन्हें बोलते हैं राइमिंग, यानी वर्ड समान देखना है। जैसे इस प्रकार में लिखा है LIGHT है, तो इसमें L को छोड़ दीजिए और एक आध शब्द और छोड़ सकते हैं, लास्ट के शब्द मिलने चाहिए। जैसे कि इसमें लाइट लिखा है, तो इसका लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है ब्राइट, BRIGHT, और हम लिख सकते हैं इसके बाद और भी लिख सकते हैं आप, ब्राइट है इस प्रकार से और भी लिख सकते हैं। दूसरा लिखेंगे हम टाइट, TIGHT, तो इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद हम और लिख सकते हैं, FIGHT,
GST फाइट। तो ये इस प्रकार से आपको इसके राइमिंग वर्ड्स लिख लेने हैं, तो इनको लिख लीजिएगा, ये अच्छे से लिख लें इसको, और ये प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये टाइट लिखा है और ये आपका फाइट, इसके राइमिंग वर्ड्स हैं ये, आशा है कि आपने लिख लिए होंगे। तो अब हम यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर हमारा अगला होने वाला है 7। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 7, 7वां क्वेश्चन। आइए इसका आंसर देखते हैं। व्हाट डिड द लिटिल प्लांट हियर, यानी पेड़ ने क्या सुना, छोटे पेड़ ने क्या सुना। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, वाला है ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसके हमें बहुवचन लिखना है। तो देखिए कौन कौन से, लीफ, बेबी, बस, इसका बहुवचन लिखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, लीव का हो जाता है लीव्स, यानी एफ हटाएंगे और एफ की जगह पे लगाएंगे VES, तो इस प्रकार से बन जाएगा लीव्स। बेबी में बाय है लास्ट में, तो बाय हटाएंगे और बाय की जगह पे लगाएंगे हम IES, तो हो जाएगा बेबीज़। और यहाँ पर एस दिया है तो एस के बाद लगाएंगे ES, इसे बोलेंगे बसेस। तो इस प्रकार से हमारे बहुवचन हो जाएंगे। देखिए इस प्रकार से लिखना है, तो LEAVES हो जाएगा पहले का, दूसरे का लिखेंगे BAVIES, बेबीज़। इसके बाद बस का लिखेंगे BUSES, तो बसेस। ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे तीनों। तो इस प्रकार से आपको लिख लेने हैं, आशा है कि आपने लिख लिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डिड द प्लांट लिटिल प्लांट डू, यानी छोटे पौधे ने क्या किया। तो इट रोज टू सी वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड, यानी उसने बाहर आते ही अद्भुत दुनिया देखी। अच्छे से लिख लीजिएगा इसको भी। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां बच्चों। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 10वां, आइए इसको भी देख लीजिए अच्छे से। तो प्रश्न क्या दिया गया 10वां, देखिए। व्हाट डिड द सनशाइन से, यानी धूप ने क्या कहा। तो आइए क्या कहा देखते हैं। वेक सेड द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अच्छे से नोट डाउन करते चलें। और यदि कोई डाउट आता है, यानी कोई आपका प्रश्न है, आपको कोई समस्या है इनमें, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपकी समस्या का सलूशन दे दिया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 11वां। तो इस प्रकार से ये दिख रहा है आपका 11वां प्रश्न। तो क्या करना है इसमें, तो देखिए क्या लिखा है इसमें। लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी यहाँ पर जो आपके वाक्य दिए गए हैं उनको सही क्रम में आपको लगाकर वाक्य बनाने हैं। तो पहला हमारा लिखा है यहाँ पर, देखिए, अ सीड इन हार्ट द ऑफ, इसको सही बनाना है। तो इसका सही आंसर बनेगा इन द हार्ट ऑफ अ से, यहाँ पर सीड दिख रहा होगा आपको, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा देखने वाले हैं 2nd। तो आइए इसका देखते हैं 2nd का हमारा, यहाँ पर ये क्वेश्चन यहीं पे है, यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिखा है फास्ट प्लांट ले अ स्लीप अ लिटिल। तो इसका आंसर देखते हैं, ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर लिखेंगे अ लिटिल प्लांट ले फास्ट अ स्लीप। इसके बाद तीसरा हमारा होने वाला है द टू क्रीप एंड लाइट। तो इसको देखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिख रहा होगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पर होने वाला है अगला आपका 12वां। तो यहाँ पर 11वें तक के हमने प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं, अब हम 12वें प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आइए इसको देख लीजिए अच्छे से क्या करना है इसका। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ ट्री एंड राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट इट, यानी हमें यहाँ पर एक चित्र बनाना है सब नीचे वाले बॉक्स में, और उसके बारे में 4 वाक्य लिखने हैं। तो हमारे इस प्रकार से वाक्य आपको लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, इनमें से कोई भी आप 4 वाक्य लिख लीजिएगा। तो देखिए पहला हमारा वाक्य होने वाला है
ट्री इज़ वेरी यूजफुल टू अस, यानी पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इसके बाद दूसरा लिखेंगे, ट्री गिव अस, ट्रीज गिव अस फूड्स टू ईट, पेड़ हमें खाने के लिए फल देते हैं। दूसरा है यहाँ पर कंप्लीट। तीसरा देखेंगे, ट्रीज गिव अस कूल एंड फ्रेश एयर, यानी पेड़ हमें ठंडी और फ्रेश हवा देते हैं। इसके बाद अगला है आपका, ट्रीज़ कॉज रेनफॉल टू, यानी पेड़ वर्षा लाते हैं। अगला लिखा है हमारा लास्ट यहाँ पर, दे रिफ्रेश अवर आइज़ एंड अवर माइंड्स, वो हमारी आँखों को और हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं, यानी तरोताज़ा करते हैं। तो यहाँ पर इनके आंसर दिख रहे होंगे, आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद हम चित्र देखेंगे इसका, किस प्रकार से आपको बनाना है। तो आइए देखिए, यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा इस बॉक्स में, तो आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको बनाकर इसे कंप्लीट करना है। तो आशा है कि बच्चों आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा, और यदि पिछले वाले नहीं देखे थे तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे दो बॉक्स दिख रहे होंगे, एक पर लिखा होगा प्लेलिस्ट और एक पर दिया होगा पार्ट। तो इन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पर दबाएंगे तो प्लेलिस्ट में सभी पार्टों के नाम आ जाएंगे, जिसको भी आपको देखना है उन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो